इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा हमें डर लग रहा था वैसे ही होता नजर आ रहा है। कल हमने बताया था कि भारत के तीनों तहफ़ुज़ी दस्ते के जिम्मेदार बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर गिरने से मौत हो गई। अब इसके मुख्तलिफ पहलू निकल कर बाहर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिपिन रावत जो मुल्क के सबसे अहम तरीन शख्स थे और इनका इस तरह हादसे का शिकार होना मुल्क के लिए, भारत के लिए, हर एक शहरी के लिए संजीदगी से सोचने की बात है। क्योंकि जब इस मुल्क का तहफ़ुज़ी दस्ते का जिम्मेदार जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के SDM थे, इनके साथ कुछ भी हो सकता है तो भारत के आम शहरियों का क्या, ऐसा सवाल भी उठना शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने तो सीधे मोदी हुकूमत पर भी सवाल उठाए तो कईयों ने इस UP चुनाव के चलते हादसे को अंजाम देने तक का इल्ज़ाम लगाया। लिहाजा किन किन लोगों ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, इस पर सिलसिलेवार तबसरा जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले अंधभक्तों की टोली जो हमेशा किसी तरह हर मामले को हिंदू मुसलमान करने की फिराक में रहते हैं, इन पर भी थोड़ा नज़रसानी करना ज़रूरी है। भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सिर्फ मुसलमानों के नामों को तलाश कर बिपिन रावत की मौत पर मुसलमानों को खुशी होने का फर्जी खबर को फैलाकर कैसे नफरत को परोसने का काम किया जा रहा है देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर भाजपा वाराणसी के ट्विटर अकाउंट की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें मुसलमानों के बारे में लिखते हुए कहा गया कि मुल्क में मुसलमान इस्लाम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इन पर कैसे भरोसा करें, ऐसा भी लिखा गया। खैर, आज का दिन इस तनाजे की नजर देखा गया। उधर कांग्रेस की जानिब से भी इस हादसे पर शक का इजहार करते देखा गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के बाद रफेल की खरीदी जांच में शामिल CDS बिपिन रावत भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे लिखा है कि राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतने ही हादसे भारत में होते रहेंगे। माधोपुर आयुक्त कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से इस मैसेज को शाया किया है। सुशांत सिन्हा ने लिखा है कि कोई शक नहीं कि सियासी गिरावट किस हद तक हो सकती है, साबिक फौजी ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने तो इसे सीधे तौर पर साजिश ही करार देते हुए हादसे को पूरी तरह इनकार कर दिया और कहा कि तीनों फौजी दस्ते के जिम्मेदार का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या क्रैश कराया गया, इसे साजिश ही होने की बात को पोख्ता करते हुए ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के कन्नूर इलाका वो इलाका है जहां साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की मौत हुई थी, तो जानबूझकर इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, ऐसा भी इल्जाम लगाया। सुधीर सावंत ने यह भी इल्जाम लगाया कि क्रैश कराया गया है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत सफर कर रहे थे ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था, लिहाजा इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता। इन इलाकों में आज भी स्लीपर सेल एक्टिव है, इसकी जांच NIA से होनी चाहिए, इसी मांग भी उन्होंने की। अब बिपिन रावत की उन मौत पर आलमी सतह पर भी तबसरे शुरू हुए हैं, भारत की तहफ़ुज़ी दस्तों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लिहाजा चारों तरफ से मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा होते देखा जा रहा है। मशहूर हिकमत अमली के माहिर ब्रह्मा चेलानी ने इस हादसे को ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से की, जो 2020 के शुरुआती महीनों में हादसा हुआ था, इसमें ताइवान के जनरल शेन ई मिंग और दो अहम फौजी अफसरान की हेलीकॉप्टर में मौत हो गई। कुल 7 लोगों की मौत ताइवान में इसी तरह पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर गिरने से हुई थी। वाज़ रहे कि ताइवान के इस हादसे को वहां की सियासत से जोड़ा गया, जिसमें वहां के इख्तदार पजीर हुकूमत को इस हादसे का फायदा हुआ था। ब्रह्मा चेलानी ने महज इशारों में कहने की कोशिश की है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। ग्लोबल टाइम्स ने किसी विदेशी ताकत का हाथ, खासकर अमेरिका का हाथ होने की बात को शाया किया है, जिसे चेलानी ने रद्द किया। क्या मोदी हुकूमत के अमेरिका से नजदीक रिश्ते भी शक के दायरे में आ रहे हैं, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी ने अपने बयान में कहा कि खासकर जब भी चुनाव आते हैं फौजियों को अपनी शहादत के जरिए किसी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है, जब मुल्क के फौजी जिम्मेदारान ही महफूज नहीं, उस मुल्क में क्या आम शहरियों का तहफ्फुज़ हो सकता है, ऐसा सवाल भी किया गया। यूपी चुनाव के चलते बिपिन रावत की मौत कराई गई और इसे कत्ल करार देकर इसकी तहकीक करने की मांग भी की गई है। जहां इसे साजिश कहते हुए कईयों ने आवाज उठाई है, वहीं पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी अंधभक्त करते नजर आए। मतलब किस हद तक हर मामले में मजहबी तशद्दुद को फैलाने का जहर अंधभक्त तलाश लेते हैं। मामूली इमोजी को मुसलमानों का रद्द अमल साबित करने की पुरजोर कोशिश संघी विचारधारा के लोग करते रहे। अगर इसे दूसरे पस मंजर में देखा जाए तो किस हद तक
बेदारी इनमें है और दूसरी तरफ मुस्लिम माशरे को क्या आईटी सेल, क्या प्रोपोगंडा वार, किस तरह एक नैरेटिव चला जाता है इसका कुछ भी इनको इल्म नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम दुश्मन अपनों में ही तलाशते रहते हैं, किस मसलक की किताब में फला मौजू है और वो इस बुनियाद पर काफिर ठहराया जा सकता है। इसी में हमारी कुव्वत खर्च होते रहती है। सोचने की बात है कि बिपिन रावत की मौत होती है और इसी को बहाना बनाकर भाजपा आईटी सेल संघीय नागपुरी संतरे मुसलमानों पर बिपिन रावत के मौत पर खुश होने का इल्जाम लगा देते हैं और फर्जी अकाउंट के जरिए प्रोपोगंडा चलाया जाता है। और मुसलमानों का मामला तो क्या बताए, इन्हें क्या कहा जाए, बेचारे कहे या बेहिस कहे, मुस्लिम माशरे को बड़ा ही सतर्क रहना होगा क्योंकि किसी भी मामले को मुसलमानों की तरफ मोड़ने का हुनर इन्हें हासिल हो गया है। तभी तो कोरोना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा गया था। तमाम नफरतों के खेल को खेले जाने के बाद फिर अदालत ने यह इल्जाम गलत होने की बात कही थी। खैर, आज पूरे दिन बिपिन रावत के इन्हीं दो पहलुओं पर बहस हुई और आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसा लग रहा है अगर ये वाकई हादसा नहीं है और साजिश है तो इस बार मोदी हुकूमत को हो सकता है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अब इस तरह फौजियों की कुर्बानी में सियासी मुफाद हासिल करने के लिए इस मुल्क का कोई भी शहरी हरगिज माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी पुलवामा पर सवालिया निशान है। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, आज भी कई सवाल जिनके जवाब हुकूमत की जानिब से नहीं दिए गए। सवाल तो करकरी की मौत पर भी उठाए गए थे। भारत के अंदरूनी हमलों में आरएसएस का हाथ होने का इल्जाम बारहा लग चुका है। हुकूमत पर बरकरार रहने के लिए आवाम को, फौजियों को या फिर सीआरपीएफ को बलि के बकरे बनाने या मजहबी तशद्दुद के इल्जाम बारहा होते रहे हैं। इसी पस मंजर में एक और हादसे को जोड़ने की बात करते हुए बिपिन रावत को यूपी चुनाव और राफेल मामले की जांच में रुकावट का इल्जाम फिर से लगाया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका का हाथ होने की बात कही है। सियासी समाजी माहिरीन ने इसे साजिश करार देते हुए इसके पीछे कौन है तलाशने की मांग की है। जो भी हो, अगर इसे महज चुनाव जीतने के लिए किया गया है तो इसे बहुत ही खतरनाक इकदाम कह सकते हैं, क्योंकि बिपिन रावत की मौत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। क्या उन्हें हम वापस ला पाएंगे? एक होनहार बहादुर फौजी अफसर जो बेबाकी के साथ सरहद पर दुश्मनों को ललकारता था, अगर किसी साजिश का हिस्सा बना है तो देश की बदकिस्मती ही कह सकते हैं। बाकी तो आवाम ही फैसला करेगी कि इख्तदार पर कौन रहने वाला है। बेलगाम शहर में विंटर सेशन की तैयारियां जोरों पर है। सड़कों की मरम्मत, सड़कों की साफ सफाई जारी है। मेहमानान के लिए ताम कयाम का भी इंतजाम किया गया है। लिहाजा डी से बेलगाम ने दो डोज के साथ आरटीपीसीआर भी जरूरी होने की बात कही है। कल कानून साज असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के मद्देनजर डी से बेलगाम ने ज्योति कॉलेज मास्टरिंग सेंटर का जायजा लिया। बेलगाम जिला में एमएलसी के लिए दो जगहों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की है। 3,500 से भी जायद सरकारी मुलाजमीन को चुनाव के मद्देनजर मुकर्रर किया है। हर बूथ पर 5 सरकारी मुलाजमीन मौजूद होंगे। जिला में 14 जगहों पर मास्टरिंग का काम जारी है। बेलगाम में सेशन होने की वजह से चिक्कोड़ी में वोटिंग को अंजाम दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। स्कूलों में बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए हुकूमत की जानिब से अंडे स्कूली बच्चों को खिलाने के सरकार के फैसले की मुखालफत आज बेलगाम शाकाहारी संघ की जानिब से की गई और हुकूमत के इस फैसले को फौरी तौर पर रद्द करने की मांग की गई। अपना मुतालबा डीसी बेलगाम को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शाकाहारी और गोश्त खाने वाले बच्चों के दरमियान एक तरह का बंटवारा करने का इल्जाम भी तंजीम की जानिब से लगाया गया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक वाल्मीकि संघ की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए हाथों में अंडे लेकर अंडों की मुखालिफत करने वालों की ही मुखालिफत की गई और कहा कि कौन कहता है कि स्कूलों में बच्चों को अंडे ना दे, गरीब और पिछड़े बच्चों के लिए अंडे मिले इसके लिए हुकूमत ने इस मुहिम को चलाया है और गरीब पिछड़े बच्चों के लिए मुफीद है, इसे किसी हाल में रद्द न किया जाए, ऐसा मुतालबा भी पेश किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।